बारिश के दिनों में नर्सरी में काफ़ी सारे ऐसे पौधे हमें मिल जाते हैं जो कि अदर सीज़न हमें नहीं मिलते हैं। इस टाइम हम बहुत सारे ऐसे पौधे खरीद सकते हैं जिससे कि हम अपने गार्डन को सुंदर तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ हमारे गार्डन में होगी काफ़ी अच्छी सी खुशबू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सेंटेड फ्लावर प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिसे कि अभी आप बारिश के मौसम में परचेज करके ला सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि नया पौधा जो कि आपके गार्डन में बारिश के मौसम में बहुत जल्दी सेट भी हो जाएगा, कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस प्लांट को नहीं होगी, रिपोर्टिंग का हो या फिर जगह चेंज होने पे हो, जो काफ़ी बार प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं वो नहीं होंगे। साथ ही साथ प्लांट बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा और अपने आप को सेट कर लेगा और ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और बहुत बहुत जल्दी आप उससे फूल ले सकेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से पौधे हैं जिसे कि हम इस टाइम नर्सरी से ला सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनमें से फ्रेंड सबसे पहला पौधा है ये जैस्मिन का, जैस्मिन की ये वाली वेराइटी जिसे कि हम हर सिंगार के नाम से जानते हैं, जिसे पारिजात भी कहा जाता है। तो इस पौधे को फ्रेंड्स आप ज़रूर अपने गार्डन में इस बरसात के मौसम ऐड करिए। अभी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी न्यू लीव्स भी निकल के आ रही है। लीव्स का साइज़ आप देख सकते हैं, अभी फूल आना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें फूल लगभग सेप्टेम्बर स्टार्ट होते ही फूल आना स्टार्ट हो जाता है, तो ग्रोथ टाइम अभी होती है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। नर्सरी में मैं भी आपको शायद फूल के साथ आपको मिल जाए, क्योंकि नर्सरी वाले फूल खिलाने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस पौधे पे सितंबर स्टार्टिंग में ही फूल होते हैं, जो कि लगभग विंटर सीजन तक फूल खिलते रहते हैं। इसके फूल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आती रहती है जो दूर तक महकती रहती है। अगर कहीं ये पौधा लगा हुआ हो तो काफ़ी दूर से महसूस हो जाता है कि इस आसपास कहीं ये पौधा लगा हुआ है, इतनी तेज़ इसमें खुशबू होती है। और रात में इसके फूल खिलते हैं और मॉर्निंग में सारे फूल आपको इसके नीचे गिरे हुए मिलेंगे, वहीं से आपको कलेक्ट करना होगा। तो इसके पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, जो कि फूलों के साथ साथ आप अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार भी बना सकेंगे। महंगा नहीं आता ये पौधा, 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपने आसपास कहीं इस तरह के हरसिंगार के पौधे को अगर बड़ा पेड़ के रूप में कहीं देखें अपने नियर बाई, तो आप ज़रूर गौर करिएगा, बारिश के मौसम में उस पौधे के नीचे बहुत सारे आपको बेबी प्लांट भी दिखेंगे। तो आप उन पौधों को ला के भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी आपको फ्री में पौधे हो जाएंगे और आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकेंगे। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये गंधराज, ये मैंने हाल ही में ऐड किया है अपने गार्डन में, इसमें अभी फूल खिले नहीं हैं। तो गंधराज का नाम से ही हमें समझ में आता है, इसके फूलों से आएगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी खुशबू। तो इसके फूल में भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, जो गार्डन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और गार्डन खुशबूदार भी हो जाता है। ये मेरा देसी वाला वेराइटी है, इसमें जो आता है एक हाइब्रिड वाले, वो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं, उन्हें सेव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ी आसानी से चल जाता है। इसके फूल मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये वाला पौधा भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ही सारे फूल ले सकते हैं, साथ ही साथ गार्डन को खुशबूदार भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये चांदनी का पौधा, चांदनी का ये गुच्छों वाला फूल इसमें आता है, एक बर्ड्स आप देख सकते हैं, पहले जो बर्ड्स आए थे सब खिल चुके हैं और ये एक नया बर्ड्स निकला है, तो इसमें गुच्छों में फूल आता है, पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी। तो इसमें से भी आती है भीनी भीनी सी खुशबू, बहुत स्ट्रांग खुशबू तो नहीं होती है लेकिन भीनी भीनी सी खुशबू होती है, जिसे भी आप लगा के अपने गार्डन को खुशबूदार बना सकते हैं। कटिंग से भी ये पौधा लग जाता है, अगर चांदनी का ये पौधा आसपास कहीं आप देखें तो इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये रजनीगंधा का, जो कि एक स्टॉक जैसे निकलता है और इसमें से फूल डेली बेसिस पे खिलते रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं खिल रहा है, मुरझा रहा है और कलियां अभी भी है, तो डेली बेसिस पे इस पे फूल खिलते रहता है और गार्डन काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार हो रखा है इस फूल से। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं, बल्ब से ग्रो होता है, मैं 2 बल्ब परचेस करके लाई थी और मैंने इसी में लगाया था। इस प्लांट के साथ ये है कि अगर आप बल्ब परचेस करते हैं तो बल्ब थोड़ा बड़ा साइज़ का परचेस करेंगे तभी उसमें फूल आएंगे, अदरवाइज़ जिस सीज़न आप ख़रीदेंगे उस सीज़न फूल नहीं आएंगे, फिर आप नेक्स्ट सीज़न इससे फूल ले सकते हैं। तो मैंने जो 2 बल्ब खरीदे थे उसमें एक बल्ब थोड़ा बड़ा साइज़ का था, इसीलिए मेरी शायद एक ही पौधा एक ही स्टॉक निकला है,
तो कोई नहीं, फिर धीरे धीरे इसमें अपने आप ही डेवलप होते रहते हैं बल्ब, और बल्ब का साइज भी बड़ा होते रहता है। तो आप इस पौधे को लगा के काफ़ी सारे बल्ब भी ले सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकें। साथ ही साथ गार्डन में इतनी अच्छी सी खुशबूदार फूलों से गार्डन को खुशबूदार भी बना सकते हैं। बहुत महंगा नहीं आता, इसके बल्ब मैंने 10 रुपये करके ही परचेज किए थे। और ये जो प्लांट आप दोनों देख रहे हैं, जो कि है गंधराज का और चांदनी का, ये मैंने 40 रुपये करके पर प्लांट परचेस किए थे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स जास्मिन की ये वाली वेराइटी, जो कि काफ़ी सस्ती भी आती है, 30-40 रुपये में मिल जाता है। और इसमें भी होती है बहुत ही अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू। ये एक बेलनुमा पौधा है, अगर आप इसे कटिंग करते रहेंगे तो झाड़ी नुमा बना रहेगा। मैं इसे बेल की तरह ही ग्रो करना चाहती हूँ, इसीलिए इसको मैंने सपोर्ट दे दिया है कुछ इस तरीके से। और इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आती है इसके फूलों से, और फूल भी डेली बेसिस पर बहुत ही अच्छे इसमें खिलते हैं। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है। अगर आप अपने आसपास कहीं देखें तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मधुमालिनी का। मधुमालिनी के पौधे को भी फ्रेंड्स आप बारिश के मौसम में लगा सकते हैं। इसके फूलों से भी आती है बहुत ही अच्छी सी खुशबू, जिससे कि आप अपने गार्डन में काफ़ी ज़्यादा खुशबू लेस खुश गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार बना सकते हैं और सुंदर भी बना सकते हैं। बेलनुमा पौधा है, काफ़ी तेज़ी से ये पौधा भी ग्रो करता है और बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं इसमें बारिश के मौसम में। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं, परमानेंट पौधा है, लेकिन फ्लावरिंग बारिश के मौसम में होती है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स कृष्ण कमल। कृष्ण कमल के पौधे को भी फ्रेंड्स आप बारिश के मौसम में लगा सकते हैं। इसके फूलों से भी आती है भीनी भीनी सी खुशबू, जो कि गार्डन में काफ़ी अच्छा सा माहौल क्रिएट करके रखता है माहौल गार्डन। ये भी एक बेलनुमा ही पौधा है, जो कि सपोर्ट से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फूलों के साइज़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इसमें काफ़ी सुंदर से दिखने वाले फूल भी आते हैं। पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी, बहुत ही प्यारे से बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं, जिसे पैशन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये रंगून क्रीपर। ये पौधा भी आप इस टाइम लगा सकते हैं, ये भी बेलनुमा ही पौधा है, ले इसके फूलों से भी आती है बहुत अच्छी सी खुशबू। तो इसे भी अगर आप लगाना चाहें तो किसी जगह चढ़ाते हुए इसे लगा सकते हैं। इस टाइम इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और फूल की क्वांटिटी भी आप बहुत सारा ले सकते हैं। फूलों में आती है भीनी भीनी सी खुशबू, जो कि बहुत ही अच्छा सा माहौल अपने आसपास क्रिएट करके रखता है। गार्डन में इस तरीके के पौधे अगर एक दो लगा लिए जाए तो गार्डन काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स मोगरा का। मोगरा के पौधे को भी फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं, जिसे मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बर्ड्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मोती की तरह। और इसके फूलों से आती है बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू, जिससे गार्डन में चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो इस पौधे को भी लगा सकते हैं, ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है। अगर आसपास कहीं देखें तो आप इस पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैंने खुद इस पौधे को 40 रुपये में ही परचेज किया था। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मधुकामनी का। मधुकामनी के ये पौधे आप देख सकते हैं, इसे मैंने सीड से ग्रो किए हैं। इसमें अभी तक फूल नहीं आए हैं, लास्ट ईयर ही मैंने सीड से ग्रो किए थे। और अभी ये पौधा क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसे कटिंग प्रूनिंग कर दी। कटिंग प्रूनिंग नहीं करती तो मे भी शायद इसमें फूल आ जाते, लेकिन पौधा बहुत अनइवन फैल रहा था तो मैंने इसका कटिंग इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो आप मधुकामनी के पौधे को भी लगा सकते हैं, मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी। तो इस पौधे से भी आती है, इसके फूलों से भी आती है बहुत अच्छी सी खुशबू। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत बहुत सारे फूल ले सकें और गार्डन को भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है और इसमें बनते हैं सीड्स, तो आप इस पौधे को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स रात रानी का। रात रानी के पौधे को भी आप इस टाइम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके फूल रात में खिलते हैं और चारों तरफ खुशबू इसकी फैल जाती है। सुबह इसके फूल सारे लगभग लगभग झड़ जाते हैं, लेकिन जो खुशबूदार माहौल है वो आपके गार्डन में बना रहता है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, ये पौधा भी कटिंग से लग जाता है। ढेरों फूल एक साथ खिलता है, लेकिन इसके फूल स्टेबल नहीं होते हैं। गार्डन में जहाँ आपके धूप कम आती है वैसी जगह पर आप इस पौधे को लगा सकते हैं, यानी आप चाहें तो बालकनी में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स आप चंपा के पौधे को लगा सकते हैं।
सकते हैं। चंपा के पौधे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग खुशबू तो नहीं होती है, लेकिन विनी विनी सी हल्की हल्की सी खुशबू इसमें आती रहती है, तो इस पौधे को भी लगा सकते हैं। इसके भी फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, आई कैचिंग से दिखते हैं, और इसमें बहुत सारी वेराइटी भी आती है, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ पौधे हैं जो कि काफ़ी सेंटेड होते हैं, काफ़ी खुशबूदार फूल होते हैं, गार्डन को सुंदर तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ गार्डन को खुशबूदार भी बना देते हैं। तो इनमें से कुछ पौधे भी अगर ला के अपने गार्डन में आप ऐड कर सके तो ज़रूर ऐड करिए इस बरसात के मौसम में, जिससे कि आप अपने गार्डन को बेहद बेहद खूबसूरत बना सके। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।